गाइस, गरीबी की वजह से हमने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके घरों में लाइट तक नहीं होती। और इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया है फिलीपींस के मनीला में रहने वाले इंजीनियर इलाक दियाज ने। दरअसल जब वो अपने स्कूल शुरू कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनके ज्यादातर स्टूडेंट्स गरीबी में रहते हैं और उनके घर में रोशनी तक नहीं है जिससे वो पढ़ नहीं पाते। इसके लिए उन्होंने कबाड़ से बोतलें निकाली और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालकर छत के आर पार लगा दी। इस तरह से इससे सूरज की रोशनी घरों में आने लगी। फिर इसमें और इंजीनियरिंग करते हुए छोटे सोलर पैनल्स भी लगा दिए। धीरे धीरे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये सिखा दिया जिससे ये आइडिया एक सेंसेशन बन गया। उनका ये तरीका इतना सक्सेसफुल रहा कि अब वो 32 से ज्यादा देशों में जा चुका है कि कबाड़ को रोशनी में कैसे बदलना है। गाइस, कैसी लगी है इंस्पिरेशनल टीचर की स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें आपकी जरूरत है। गाइस, अक्सर भारत को गंदगी के लिए बदनाम किया जाता है जो कि सच नहीं है। और इसका प्रूफ है मेघालय का माइलिन लोंग गांव जो कि सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे साफ गांव है और इसे लोग भगवान का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ के लोगों को सफाई की आदत यहाँ के बड़े बुजुर्गों से मिली है और ये गांव हमेशा से ही बहुत खूबसूरत रहा है। इस गांव में सफाई का इंचार्ज भी होता है जो कि गांव का ही कोई व्यक्ति होता है और हर सुबह पूरा गांव मिलकर सफाई करता है। ये गांव इतना ज्यादा साफ और खूबसूरत है कि विदेशी टूरिस्ट भी इस गांव में घूमने और रहने आते हैं और यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनसे सफाई के लिए पैसा ले लेते हैं। गाइस, है ना अपने इंडिया में ऐसे कमाल की जगहें जो शायद हमें पता ही नहीं होती हैं। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए A2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है।